दिल्ली में बीजेपी पार्टी ऑफिस के अंदर लगा महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की मशीन। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाथी श्रीनिवास एवं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया सैनिटरी पैड की मशीन का उद्घाटन। बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में सेवा और समर्पण के तहत सैनिटरी नैपकिन मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष योगिता सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। उन्होंने उद्घाटन के समय बताया कि किस तरह महिलाएं इनसे होने वाली परेशानियों व बीमारियों से गुजरती है, यह उन सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम करेगा और यह किसी पार्टी कार्यालय में पहली बार किया गया है। देखिए, ये बीजेपी पहला पॉलिटिकल ऑफिस बन गया है जहां हाइजीन के ध्यान को रखते हुए और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान को रखते हुए यहां पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है। मैं बधाई देता हूं महिला मोर्चा को, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की इस पहल पर ये मशीन लगाई गई। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, लगातार महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता, उनकी आजीविका की चिंता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनकी हाइजीन की चिंता, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के द्वारा 1 रुपये में मात्र सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आज एक मशीन यहाँ भी लगाई गई है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम। प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण के तहत महिला मोर्चा ने स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत का प्रण लिया है, तो उसी प्रण के तहत हमने आज ये वेंडिंग मशीन यहाँ लगाई जो कि फ्री है, मतलब इसके अंदर फ्री पैड्स मिलेंगे, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है ये एक संकेत है। मतलब हम बता रहे हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि महिलाओं में कैंसर जो सबसे ज़्यादा होता है वो ड्यू टू, मतलब वो पैड्स यूज़ नहीं करती, कपड़ा यूज़ करती थी। आज हम विश्व को, पूरे देश को, देश की महिलाओं को ये बता रहे हैं कि पैड यूज़ करने से उनकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। उसी के तहत हमने एक ये प्रयास किया। दिल्ली महिला मोर्चा की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारी टीम का एफर्ट है। और आज हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के साथ पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी किया कालका जी में सुधार कैंप के अंदर, और हम निरंतर ऐसे प्रयास करते रहेंगे जिसमें हम महिलाओं के लिए कुछ कर पाएँ, चाहे वो पोषण की बात हो या उनके हाइजीन की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो। आज पूरी दिल्ली के अंदर महिला मोर्चा 14 हेल्थ कैंप्स लगा रहा है महिलाओं के लिए, जिनको कि हम 7 तारीख तक 71 लगाएंगे। आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने समय समय पर महिलाओं के लिए, चाहे वो सुरक्षा का हो, उज्ज्वला योजना हो इस तरीके के, या शौचालय हो, इस तरीके के जो योजनाएँ जो लागू की है देश के अंदर, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर है इससे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इज्जत घर की बात करी थी लाल किले से, तब सबको बड़ा अजीब लगा था, पर आप यकीन करिए इस बात का, क्योंकि महिलाओं के साथ जो दुष्व्यवहार होते थे वो उसका सबसे मूल कारण यही था कि गांव देहात के अंदर वो खेत में जाती थी, और कई बार तो उनको बहुत सारी बीमारियां भी इसके कारण होती थी। आज पूरे देश में करोड़ों शौचालय बन चुके हैं, महिलाओं के लिए हर घर में उज्ज्वला पहुंच गई है। हमारी सभी योजनाएं सिर्फ उज्ज्वला घर की बात नहीं है, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा योजना हो, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने ये तय किया कि अगर मुद्रा बैंक का लोन भी किसी को देना है तो वो एक महिला और एक SC ST को देना हर बैंक को अनिवार्य है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।